पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में बारिश तूफान का कहर, 5 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में चक्रवाती तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस तूफान के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जलपाईगुड़ी के हालात को लेकर चिंता जताई है। इस अचानक आए तूफान में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस आपदा से इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि घायलों में 42 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। तूफानी हवाओं ने कई जगहों पर पेड़ों को जमींदोज कर दिया, वहीं कई कच्चे घरों की छतें उड़ गई। तबाही में 5 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अस्पताल जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। तूफान की वजह से राजारहाट, बार्निश, बकाली, जोरपाकड़ी, माधव डांगा और सप्तीबारी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कई एकड़ में लगी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। रविवार को पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात से भारी तबाही मची है। तूफान दोपहर करीब 3:30 बजे आया और ये करीब 10 मिनट तक चला, जिसमें लाखों पेड़ उखड़ गए और घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस तूफान में 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि पहले रविवार को जलपाईगुड़ी की जिला मजिस्ट्रेट क्षमा परवीन ने कहा था कि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय त्विजेंद्र नारायण सरकार, 49 वर्षीय अनिमा रॉय, 70 वर्षीय जोगेंद्र और 64 वर्षीय समर रॉय के रूप में हुई है। जबकि अब खबर सामने आई है कि तूफान में एक महिला की भी मौत हुई है। पीएम मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्थिति का जायजा लिया, उच्च अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात करने की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं भी सभी से और भाजपा बंगाल के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों की सहायता करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।